अशो हाँ नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जस्ट इन इंग्लिश। और आज हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित जो भी कंटेंट है, प्रीवियस मोमेंट का, लास्ट मोमेंट का, एंड उनकी जो प्रेडिक्शन थी और उनका जो बिहेवियर था फिल्म इंडस्ट्री में, और करण जौहर, सलमान खान, जो ये सारा सब कुछ है उनसे संबंधित मैं आज कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर रिलेट करूँगा। और कुछ ऐसा मिसबिहेवियर भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कुछ क्लिप्स के माध्यम से, जिससे आपको लगेगा कि वाकई में सुशांत सिंह जो थे एक प्रकार से वो उनसे हैं जो घृणा की जाती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और जो कुछ डायरेक्टर्स हैं, करण जौहर हो गया, ठीक है, ये अनन्या तो बिल्कुल भी ऐसे पक्ष में नहीं थी। और उसके बाद में जो अपने कंगना रनौत हैं उनका बिल्कुल स्ट्रेटली आपने स्पीच सुन ही लिया होगा, तो उस मुद्दे पे आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। सो वेलकम टू अवर चैनल, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाया, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाऊँगा और उनके बारे में मैं आपको रिव्यू भी दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो डेथ थी, ठीक है, जो कन्वर्सेशन है वहाँ पर, उनका जो रिएक्शन है जहाँ पर वो डांस कर रहे हैं, शाहरुख खान जो हैं जिनको मैं भूल गया अभी, तो वो और सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जो वॉच टाइम है या फिर जो कुछ भी XYZ एंड के लिए नहीं, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ रियलिटी, वास्तविकता क्या है, मैं इसकी ओर आपको ले जा सकता हूँ या फिर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने IQ लगाया उसके अकॉर्डिंग मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप उन क्लिप्स को देखकर अगर आप अपना IQ लगाओगे तो वो डबल IQ का काम करेगा, और अगर आप ज़्यादा व्यक्ति देख रहे हो तो सारे के सारे बिल्कुल अलग अलग थिंकिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उस राज का है जो हमें पता लग सकता है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो आने वाले जो युवा लोग हैं उनका बिल्कुल आत्मविश्वास टूट चुका है, वो बिल्कुल नॉन कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, क्योंकि जब भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब सुसाइड कोई कर सकता है तो फिर मतलब आई एम स्पीचलेस ब्रो, स्पीचलेस, व्हाट हैपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा जिसमें है जो करण जौहर जो हैं, करण जौहर की एक प्रकार से हैबिट में आपको बताऊंगा। करण जौहर आपको वो बिल्कुल भी अगर आपको पहचान में आता है, वो उस वीडियो में उसका फेस नहीं दिखाया गया है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि वो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, ठीक है, और ऐसी हरकत कौन कर सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ठीक है। और शायद उनकी एक अच्छी खासी पार्टी थी जिनमें है कुछ ने पी भी रखा होगा, तो किसको पता, शायद बस आँखों से ऐसा हम पता लगा सकते हैं कि कुछ हाँ है जो है वो ऐसे ड्रिंकिंग पार्टी होगी, तो उसमें है जो अपनी आदत, अपनी घटिया आदत बताते हुए वो कैमरे में सारे के सारे बॉलीवुड एक्टर्स को बीच में ले रहे हैं, तो वो भी देखिएगा। ये रहा, अब इसके बाद आपने देख लिया होगा, अब कुछ मैं रिव्यूज बताऊंगा आपको कि किस किस ने क्या क्या बोला है, और जो सलमान खान का जो रिएक्शन था, ठीक है, और उसके बाद जो अक्षय कुमार के और जो MS धोनी का जो रिएक्शन था वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन MS धोनी की बात करते हैं कि अभी तक MS धोनी ने क्यों कुछ नहीं कहा। MS धोनी ने ये बोला है उनके इंटरव्यू में कि जो आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो एक प्रकार से MS धोनी का रिएक्शन था, वो भी इतने दिनों बाद। MS धोनी बिल्कुल छिपे हुए थे इस मामले से, वो बिल्कुल सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनका कोई उनको विश्वास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, वो भी सुशांत सिंह। और सुशांत सिंह ने MS धोनी की इतनी अच्छी बायोग्राफी की है और इतनी अच्छी एक्टिंग की है, उनके जीवन का इतना अच्छा अवतरण किया है वहाँ पर, बिल्कुल वो इतिहास में एक प्रकार से जानने योग्य हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, आप कुछ नेक्स्ट क्लिप्स भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, और कुछ क्लिप्स में आपको हैं जो बताना होगा कुछ कमेंट करके कि अगर आपको सीक्रेट हिडन अगर कहीं पे मिलता है वो चीज़ मेरे को आपको बतानी है दोस्तों। सो थैंक यू, देखिए।